मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंप दिए गए हैं। सोमवार देर रात इसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई। सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को दिए गए जिलों के प्रभार में पावर सेंटर यानी इंदौर जिला, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, इसे अपने पास रखा है, जबकि सीनियर मंत्रियों को दो दो जिलों का प्रभार दिया गया है। किस मंत्री को कौन से जिले की मिली जिम्मेदारी और क्यों सीएम मोहन यादव ने इंदौर जिला अपने पास रखा और कैसे इस लिस्ट में सिंधिया का दिखा दम, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। लंबे इंतजार के बाद करीब 7 महीने बाद एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में खास बात यह है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाले इंदौर जिले का प्रभार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रखा है, जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल जिले का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो जिले की कमान एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप को दी गई है, तो वहीं सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के जो करीबी माने जाते हैं उन मंत्रियों को दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रभारी मंत्री क्यों होते हैं पावरफुल। राजनीतिक रूप से देखें तो प्रभारी मंत्री को जिले में मुख्यमंत्री जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। कलेक्टर उनके सचिव के रूप में काम करते हैं। राज्य स्तर पर जिलों की निगरानी और महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने की जिम्मेदारी भी प्रभारी मंत्री की रहती है। संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें जिला कोर ग्रुप और विधायक सांसदों की बैठक में शामिल होते हैं। विधानसभा और मंडल स्तर की कमेटियों की निगरानी का जिम्मा और नियुक्ति में प्रभारी मंत्रियों का अहम रोल रहता है। तबादला बोर्ड के अध्यक्ष का पावर रखते हैं। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी रहती है। प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला योजना समिति की बैठक लेते हैं, विकास के क्रियान्वयन का फैसला करते हैं। कलेक्टर एसपी के बीच तालमेल बनाकर कानून व्यवस्था पर नजर रखते हैं और सीएम को रिपोर्ट देते हैं। तो वहीं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के क्षेत्र में उनके ही करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को फिर से ग्वालियर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सिलावट को बुरहानपुर की जिम्मेदारी भी मिली है। सिंधिया के दूसरी करीबी मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गुना और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को इस बार शिवपुर और पांडुरना का प्रभार मिला है। तोमर पिछली सरकार में गुना के प्रभारी मंत्री थे। खास बात यह भी है कि माइनिंग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सिंगरौली जिले का प्रभार पीएचई मंत्री संपतिया उइके को दिया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मंत्री आते हैं उसके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी ही मंत्रियों को दी जाएगी, लेकिन सीएम मोहन यादव ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सीनियर मंत्रियों को दूरस्थ जिलों की जिम्मेदारी दी है। जबलपुर से आने वाले राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का जिले का प्रभार दिया गया है, जबकि मंत्री विजय शाह को रतलाम और झाबुआ का जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतनाधार, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भिंड और रीवा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आकर मंत्री बने रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो मंत्रियों को जिले का प्रभार देने में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक अलग रणनीति का काम किया है। तो मोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया की पसंद का भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।